खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। छपरा के जगदम कॉलेज में स्नातक पार्ट वन की परीक्षा दे रही छात्रा के साथ हाथापाई, 3 महिला पुलिस कर्मी ने रूल से मारकर फोड़ा सर, प्रिंसिपल के ऑफिस में छात्रा की जमकर पिटाई। सारण घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि स्नातक की परीक्षा देने आई छात्रा का नाम नैजब जाहिर है। परीक्षा के दौरान उसके साथ कॉलेज के लोगों में बदसुलूकी की, उसके बाद छात्रा और पुलिस कर्मियों के बीच हाथापाई हुई है, जिसके बाद 3 महिला पुलिस कर्मियों ने छात्रा पर ईंटा चला दिया, जिससे छात्रा का सर फट गया। वहीं इस घटना के बाद छात्रों में आक्रोश का माहौल है। वहीं सीएस का कहना है कि लड़की नुशन क्रिएट कर रही थी, टीचर के साथ बदतमीजी कर रही है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रजनीकांत का कहना है कि कॉलेज में फर्स्ट एड की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण सही से इलाज नहीं हुआ है। वहीं महिला सिपाही का कहना है कि मेरे साथ छात्रा ने मारपीट किया और कपड़ा फाड़ा है। खबर 365 न्यूज के लिए पटना से प्रीतम ठाकुर की रिपोर्ट। अंदर लिख रहे थे तो क्या किया, मेरा कॉपी छीन के ले जाके एक्सपेल कर दिया है लोग। हम बोले हैं कि सर आप एक्सपेल नहीं करते, आप क्यों एक्सपेल करिएगा, तो बोलने लगे हैं क्या कि हम तुमको जेल भेजवा देंगे, पुलिस को बुलाने लगे हैं, फोन कर दिए, मेरा कॉपी ला के उधर दे दिए हैं। बताइए ऐसा क्या जाता है। उसके बाद यहाँ आकर हम मांगने लगे, फटा है सर, इस वजह से हमको धक्का देकर निकाल रहा था लोग, हम नहीं निकले हैं, बस क्या किया लोग रूल से मार दिया। पुलिस 3 लेडी पुलिस थी। अभी तो जस्ट हम पहुँचे हैं। क्या सूचना आपको मिली है? सूचना मिली कि जगदम कॉलेज में कोई लड़की के साथ मैंने झगड़ा झंझट कर रही है, उसे सूचना अच्छा, है। पुलिस कर्मियों के द्वारा माथा फोड़ा गया, इस तरह की बातें सामने आ रही है। इस तरह की बातें अब जांच में हम क्या पाते हैं देखेंगे, दोनों तरफ से बातचीत करेंगे, पूछते हैं कैसे क्या घटना घटी, उसके बाद ही कुछ बताते हैं। सर वहाँ चीटिंग करते हुए पकड़ी गई सर, बोले चीटिंग करेंगे सर के पास ले जाइए, चीटिंग करेंगे तब सर बोल रहे कि चीटिंग करेगी तो हाँ करेंगे, आप आपको पिटवा सकते हैं, और सर को बोले कि पिटवा सकते हैं, आपको पिटवा देंगे, अब हमको कह रहे हैं ना कि हम करेंगे चीटिंग, चलिए बाहर चलिए, तब बोल बाहर चलिए, तब दर्जन हाथ चला दे सर। पहले तो हमको कालर पकड़ के थप्पड़ मारी खींच बिना वजह, और पता नहीं कैसे उसका सर कैसे फट गया, सर वो अपने बाहर निकली और गेट में लग के उसका सर फूटा। छात्रा के साथ है जगदम कॉलेज में जो पार्ट वन की परीक्षा दे रही थी, उसके साथ शिक्षक उसका कॉपी ले लिए, जब वो अपना बात बोली है कि मेरा कॉपी क्यों लिया गया, तो उस लेडीज कॉन्स्टेबल को बुलाकर उसके साथ मारपीट किया गया, जिसमें उसका सर फटा है। ना छात्रा के मुताबिक, छात्रा बोल रही है कि उसके रूल से मारकर सर फटा गया, जो काफ़ी निंदनीय है। और इस जगदम कॉलेज में फर्स्ट एड की कोई व्यवस्था नहीं है, जब सर फट गया है लगातार खून बह रहा है, और महाविद्यालय में कोई फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं है, और उसके बाद महाविद्यालय प्रशासन उसको हॉस्पिटल ना ले जाकर किसी को बुलाकर यहीं मलहम पट्टी करवाकर मामले को दबाने की कोशिश की है। छात्र संघ इसका मांग करता है कि इसका निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। वह यह है कि मुझे फ़ोन किया गया कि ऑडिटोरियम में एक लड़की न्यूसेंस क्रिएट कर रही है और टीचर लोगों के साथ मिसबिहेव कर रही है, लेडी कांस्टेबल को भेजने के लिए। मैंने ये JCS डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद सिंह और 3 लेडी कांस्टेबल को मैंने भेजा, वहाँ पर भी इन लोगों के साथ ही बदतमीजी की तरह व्यवहार कर रही थी, और उसके बाद तो वो लेडी कांस्टेबल लेकर के आई है कॉपी लेकर के, उसके बाद हमसे कॉपी छीनने लगी है, कॉपी छीनने लगी है और हमसे कहती है कि आपको तो हम इतनी मार मरवाएंगे कि आपको याद रहेगा, नहीं ना इतनी मार मरवाएंगे। हमने कहा ठीक है बुलवा करके मरवा दो, हमको कोई बात नहीं है, लेकिन तू शांत रहो, काहे के लिए शांत रहेगी। लेडी कांस्टेबल लोगों के साथ हाथापाई करने लगी, उसके बाद ये लोग उस रूम से, चूंकि क्वेश्चन फट रहे थे सेकंड हाफ का, तो उसके बाद वो निकल जबस्ती लोग निकालने लगा है, उसी क्रम में एक हाथ इंजर्ड हुआ है, एक कॉलर फटा है, और उसी धक्का मुक्की में इसको दीवार से चोट लगा है, और अपने अपने से उसको फूटा है, उसको इन लोगों ने नहीं फूटा।